सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हम लोग बनाने जा रहे हैं झटपट से बनने वाला नाश्ता जो आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। ये बिना गूथे और बिना बेले बनेगा पैनकेक, जिसे आप पराठे के रूप में सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बताऊंगी एक तीखी चटाकेदार चटनी, तो इसे एंड तक जरूर देखें, विदाउट स्किप करें। चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मम्मास किचन का खजाना। चलिए रेसिपी की स्टार्टिंग करते हैं। ये मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा एक कटोरी। ये मैदा लिया मैंने, पौन कटोरी मैदा लिया है। एक टेबल स्पून हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। मैंने दूध एक कप लिया है। ये देखिए मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये बैटर बहुत थिक है, इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग अपने पसंद से जो वेजिटेबल पसंद हो हमें वो डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर हैं। ये मैंने गाजर बारीक काट ली है। ये शिमला मिर्च लिया मैंने और बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने इसमें अपने पसंद से कॉर्न भी डाले हैं, बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद आते हैं तो कॉर्न भी डाला है। आप इसमें हरे प्याज भी डाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो आपको वेजिटेबल मैंने पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया डाला, अकॉर्डिंग मिर्ची डालें। हम लोग पहले चिली फ्लेक्स का भी यूज़ किए थे, तो मैं इसमें करीबन एक ही मिर्ची बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें सेंधा नमक या काला नमक जो होता है वो ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आइए इसे अब हम मिक्स करते हैं। देखिए इसकी थिकनेस जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा थिक है ये, इसमें हल्का सा पानी ऐड करें और ये एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए अब हम बना रहे हैं हरी चटनी जो इसके साथ खाई जाएगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी बनने वाली चटनी है। आइए उसे बनाते हैं। हम कंटेनर में हम धनिया डालें, मैंने एक बाउल धनिया लिया है। आप इसके साथ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। ये नमक डाला, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन और ये मैंने यूज़ की है भुजिया। आप इसके बदले जो चने आते हैं फूटे चने उसको भी यूज़ कर सकते हैं, फली यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप अपने हिसाब से, बाकी मैंने यहाँ पे भुजिया यूज़ किया है। अब इसमें मैं दही डालूँगी, लगभग एक छोटी सी बाउल है उतनी दही डालें और हल्का सा इसमें पानी ऐड करें। अब इसे पीस लें। देखिए इसे बहुत ही अच्छी हमारी चटनी, बहुत ही फाइन टेस्ट तैयार है। पैन लें या तवा ले लें और उसी में सेकें, बहुत अच्छे से सेकाएगा इसे। हल्का सा ऑयल डालें और उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था उसे अच्छे से डाल करके और फैला लें।
जितना बड़ा चाहें आप उतना आप बड़ा बना सकते हैं। इस तरीके से इसे बैटर को डालें और इस तरीके से इसे फैलाएं जितना आप बड़ा चाहें। अब इसे कम आंच में ही रखें और कम आंच पे ही सेकें इसे। इसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल डालें। अब इसे धीरे धीरे पलटा लें। देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, बहुत अच्छे से सेकाया हुआ है। अब इसको सर्व करते हैं। गाइस देखिए ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय चाचा।